हेलो फ्रेंड्स सोनीज विजन लीगल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर द फाइव लैंडमार्क जजमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इन इंडिया तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के बारे में जानना है तो फ्रेंड्स सबसे पहला केस आता है स्टारबक्स कॉफी वर्सेस सरदार बक्स कॉफी एंड कंपनी देखिए सरदार बक्स कॉफी ने इस नाम को लेकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसके वजह से स्टारबक्स ने उनके ऊपर ह्यूज पेनल्टी इंपोज कर दी क्योंकि इनका नाम और लोगो स्टारबक्स के नाम से बहुत सिमिलर और पूरा उसकी कॉपी था द केस वॉज ऑब्वियसली बाय इंडियन जर यूज वर्ड सरदार इंस्टेड ऑफ स्टार लोगों को यह बिलीव होता था कि यह स्टार्स ही है एंड सेम को बिलोंग करता है इसमें कोर्ट अलाउड डेफेंडेंट टू यूज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ट्रेडमार्क सरदार बक्स टू सरदारजी बक्स एंड डिफेंडेंट को चांस दिया कि वो किसी को भी सीव कर सकता है जो बक्स यूज करेगा फ्यूचर में इसके बाद हम बात करते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट केस की जो है कोका कोला वर्सेज बिस्लरी दिस केस रेस्ड ऑन क्वेश्चन ऑन हु इज गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट नेम माजा बिस्लरी असाइंड इट्स ट्रेडमार्क माजा टू सेल टू कोका कोला एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इन एंड फ्रॉम इंडिया इसके बाद ही तुरंत कोका कोला ने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन टर्की में फाइल कर दी For the name माजा, जिसके ऊपर बिसलरी ने objection raised किया and sued कोका कोला for trademark infringement. It was held in the case that the rights over the trademark were completely assigned to Coca-Cola. Bisleri cannot use trademark in or outside India. उसके बाद आते हैं अगले केस की तरफ जो है राजीव सोमित्रा vs नीतू सिंह and O.R.S. This case क्वेश्चन ऑफ वॉट इफ एन ओनर बिकमेंस है रिलेटेड टू ट्रेडमार्क इन इंडिया जहां पे पैरा माउंट कंपनी की डायरेक्टर नीतू सिंह ने अपने पर्सनल गेन के लिए पैरा माउंट पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम पर खोली नीतू सिंह Wife of Rajiv Somitra acted in bad faith and started using the trademark Paramount of the company for personal gains. The director has violated section 166 Duties of Director and section 88 of Trust Act 1882. But the reliance was made on the Trademark Act for undue use of the trademark by. न अदर देन वन ऑफ द ओनर इट्स सेल्फ उसके बाद आते हैं अपने अगले लैंडमार्क केस की तरफ जो है मैसर्स बंगाल वॉटर प्रूफ लिमिटेड बॉम्बे वॉटर प्रूफ मैन्यूफेक्चरिंग कंपनी दिस केस रेज द क्वेश्चन ऑफ वेयर टू सी द डक द ट्रेडमार्क इन क्वेश्चन वॉज डक बैक एंड वॉज इन्फ्रिंज एज डैक बैक सूट वॉज रिफ्यूज इन दिविल कोर्ट एंड हाई कोर्ट हुजमेंट रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट हैजमेंट एंड इंस्टेंट केस शेल बी ट्राइड अकॉर्डिंगली उसके बाद आते हैं अपने आखिरी लैंडमार्क केस की तरफ जो है एनआर डोंगरे वर्सिज वर्ल्डपूल कॉरपोरेशन दिस इज अनदर लैंडमार्क केस वेयर द रेपुटेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज ट्रांस बॉर्डर इट वॉज हेल्ड दैट वर्ल्डपूल हैज लॉन्ग सिंस बीन एसोसिएटेड ओनली विथ वर्लपूल कॉरपोरेशन एंड इन नो वेज द मार्क वर्लपूल कैन बी डिसमेंटल्ड फ्रॉम द सेम एज इट्स रेपुटेशन एक्सटेंड्स टू इंडिया एंड जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं इस ट्रेडमार्क के उनको भी अलाउड नहीं है कि वो इस ट्रेडमार्क को सेम और सिमिलर प्रोडक्ट्स के लिए यूज करें तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sonyvision.in को जिसमें हम ऐसे कई सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिटेल में ब्लॉग लिखते हैं तो आप उन ब्लॉग्स को पढ़ के इन चीज़ों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें आपके जो डाउट्स हैं या आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना या पूछना हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेगी जाने से पहले हमारे चैनल सोनीज विजन लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी कई सारी और इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद